नमस्कार दोस्तों, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट उसके हम बात कर रहे थे। अब एक और अकाउंट की हम बात करेंगे, मालिक और कर्मचारी, मैनेजर और कर्मचारी। दोस्तों, मैं एक दो एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। कुछ 5-6 साल पहले मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ी थी, दिल्ली के पास गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री में कर्मचारी ने मैनेजर को ऑफिस में जिंदा जला दिया। माय गॉड, कितना बड़ा न्यूज़ है ये तो। कायदा हाथ में ले लिया उन्होंने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको इतना गुस्सा आया होगा कि यह गुस्सा उन्होंने निकाला। अब गुस्सा क्यों आया होगा? क्योंकि मैनेजर का कुछ बिहेवियर ऐसा होगा जिनकी वजह से इनको गुस्सा आया। यानी कि मैनेजर का ये कर्मचारी के अकाउंट में बैलेंस माइनस होगा, बहुत माइनस हो गया होगा, तब ये हुआ होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। सूरत में मेरा एक दोस्त है डायमंड वाला, उनके ऑफिस में मैं बैठा था और कुछ काम हुआ, उनके फैक्ट्री में जाना था। फैक्ट्री यानी जहाँ वर्कर लोग बैठते हैं, बाजू में ही था, ऊपर नीचे ही था। तो अब बोले चलो मुझे चलते हैं फैक्ट्री में जाके देखते हैं, कुछ काम है। बोले चलो। तो उसने क्या किया, ड्रॉर खोला, ड्रॉर में से खोल कर रिवॉल्वर निकाल के अपने जेब में डाली। मुझे तो मालूम भी नहीं था वो रिवॉल्वर रखता है। अरे यार, तुम रिवॉल्वर रखता है? बोले हाँ। ना अभी क्या जरूरत है उसके? बोले हम फैक्ट्री में जा रहे हैं। बोला फैक्ट्री में तो तुम्हारे एम्प्लॉय है, तुम्हें क्या डर है? नहीं, बोले यहाँ सूरत में कभी ऐसे किस्से हुए हैं कि कर्मचारी ने डायमंड के मालिक को मार दिया हो, अटैक किया हो, तो हमें स्व बचाव के लिए रखना पड़ता है। माय गॉड, ऐसा भी होता है कि आपका ही कर्मचारी, आपके वहाँ नौकरी करने वाला आपके ऊपर हमला कर दे और उसके लिए आपको रिवॉल्वर रखना पड़े? देखिए दोस्तों, ऐसा कब करना पड़ता है? जब मालिक को खातरी है कि मैंने कभी डिपॉजिट किया ही नहीं, मेरा अकाउंट बिल्कुल माइनस में चल रहा है, तभी तो ये होगा, नहीं तो ऐसा कैसे होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे और एक डायमंड वाले दोस्त है आठकोट जसदण सौराष्ट्र के अंदर, उनका कार्प इम्पैक्स का एक फैक्ट्री है जिसके वो चलाते हैं, इनका नाम है रूड़ा भगत। एक बार मैं उनके पास गया था, वहाँ मेरा प्रोग्राम था, मिलने को गया था। उनके साथ मैं फैक्ट्री में राउंड ले रहा था तो सब लोग उनको ऐसे झुक झुक के नमन कर रहे थे। देखिए कितना फर्क है, एक फैक्ट्री का मालिक है जिनको सब झुक झुक के सलाम कर रहे हैं, और एक फैक्ट्री का मालिक है जो जेब में रिवॉल्वर लेके अपनी खुद की फैक्ट्री में घूम रहा है, उनको डर है कि कोई हमला नहीं कर दे। दोनों में फ़र्क क्या है? जो रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, उन्होंने अपने कर्मचारी के अकाउंट में विड्रॉल किए रखे हैं, और जिनको झुक झुक के सलाम कर रहे हैं उनकी फैक्ट्री में ऐसा हुआ है कि उसने डिपॉजिट बहुत किया है, बैलेंस बहुत तगड़ा है दोस्तों। और वो मारुति फैक्ट्री में क्या हुआ है? बिल्कुल माइनस बैलेंस चल रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अगर आप मालिक है, आपके नीचे सबॉर्डिनेट है, काम करते हैं लोग, उनके साथ कैसा काम करना चाहिए। मैनेजर है, आपके नीचे सबॉर्डिनेट है, मालिक और कोई है, आप तो सिर्फ मैनेजर है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करोगे कि आपके कर्मचारी के अकाउंट में आपका डिपॉजिट बन जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा? सबसे पहले तो सबसे गुड मॉर्निंग करके हंस के बात करो। फिर कभी भी उसका शोषण मत करिए, उनको जितनी मेहनत करते उतना पैसा दीजिए, और ज़रूरत है तो उसे ज़्यादा भी दीजिए। उनके कोई प्रॉब्लम है तो जब लेके आता है तो उनसे सुनिए, बात करिए उनसे, सब काम छोड़ के कहिए ओके बैठिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। आप उनसे सुनते नहीं है ना तो विड्रॉल होता है, और उनका जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का दिल से प्रयत्न करिए। चाहे नहीं हो अलग बात है, मगर उनको ऐसा लगना चाहिए कि इन्होंने कोशिश ज़रूर की। फिर आप जब कोई कर्मचारी को प्रॉमिस करते हो ना, तो उसको पूरा करिए कि तुम्हें छुट्टी दूंगा, या तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, या तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाऊंगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो टाइम पे काम निकालने के लिए झूठा प्रॉमिस कर देते हैं, इतना काम कर दे फिर तेरा प्रमोशन का देखेंगे, या तेरा तनख्वाह बढ़ाने का देखेंगे, फिर तेरे को छुट्टी दे देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉमिस करते हैं तो आपको पूरा करना ही है। फिर उनको बर्थडे गिफ्ट या बर्थडे की शुभेच्छा दीजिए। मेरे एक दोस्त है जितेंद्र मेहता, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक के उनके वो चेयरमैन हैं। उनके बैंक में ऐसा नियम है कि कोई भी कर्मचारी का जब बर्थडे होता है तो उनके घर पे फूल का बुके पहुंच जाता है और मैसेज पहुंच जाता है। एक गाड़ी डेली सुबह निकलती है, उनका तो बहुत सारे कर्मचारी है तो डेली किसी ना किसी का बर्थडे रहता है। तो एक टीम बनाई है उन्होंने, चेयरमैन का मैसेज लेके, फूल का बुके लेके कर्मचारी जब तैयार होता है तब उनके घर पे पहुंच जाते हैं। अब ये कर्मचारी को कितना अच्छा फील होता होगा, कोई छोड़ के जाने का नाम नहीं लेता होगा। और देखिए कितने सारे
सहकारी बैंक डूब रही है और ये बैंक सबसे आगे निकली हुई है। उनका 10 रुपये का शेयर 1000 रुपये में मिलता है, इतना अच्छा चल रही है ये, क्योंकि उनका वहाँ का वर्क कल्चर ही ऐसा है कि सब दिल से काम करे और कोई छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि वो हमेशा मैनेजमेंट ये देखता रहता है कि कर्मचारी में कैसे डिपॉजिट करे। मेरे एक और दोस्त है जिनका नाम है सऊजी भाई धोलकिया, वो डायमंड के बिजनेसमैन है। वो तो ओपनली चैलेंज करते हैं कि जीतू भाई मैं सबको चैलेंज करता हूँ, मेरा एक भी कर्मचारी को कोई मेरे यहाँ से लेके अपने फैक्ट्री में लेके जाए यानी नौकरी के लिए, इम्पॉसिबल, मेरी नौकरी कोई छोड़ेगा नहीं। वो इतना चैलेंज करके कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी को इतना अच्छा संभाल के रखते हैं, उनके इतने ध्यान रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने उनके बारे में कुछ सुना भी होगा, अभी 3-4 साल पहले उसने कुछ 1200 कर्मचारी को कार गिफ्ट दिया था दिवाली बोनस में, आपने ये सुना होगा। बहुत ध्यान रखते हैं अपने कर्मचारी का, इतना डिपॉजिट करके रखते हैं कि कोई छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, इसलिए उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। दोस्तों कहने का मतलब है कि आप कर सकते हैं, आपके भी कस्टमर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और मैं दुबई के एक कॉरपोरेट प्रोग्राम के लिए गया था, सोने का व्यापारी था, तो उनकी तो यही शिकायत थी कि मेरे कंपनी में कोई 1 साल से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। अब देखिए इंडिया से दुबई में काम करने जाने वाले की संख्या कितनी ज़्यादा रहती है, और लोग जाते हैं वहाँ नौकरी करते हैं, 1 साल में तंग होकर छोड़ देते हैं। वहाँ का एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस 1 साल से ज़्यादा नहीं था कर्मचारी का, क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि जिसकी वजह से कर्मचारी वहाँ टिकता ही नहीं थे। यह आपके हाथ में है कि कर्मचारी आपके साथ रहे या नहीं रहे, आपको प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट करे या आपके ऊपर हमला करे, यह आपके ऊपर है। कर्मचारी की कोई भूल होती है, भूल तो किसी की भी हो सकती है, तो उसको माफ करने का रखिए। 2 टाइप की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक ऑफ हार्ट एंड एक मिस्टेक ऑफ माइंड। मिस्टेक ऑफ माइंड तो इजीली माफ हो सकती है, मिस्टेक ऑफ हार्ट है तो भी आप सोच समझ के माफ कर सकते हैं उसको। दोस्तों फिर उसकी कोई वीकनेस है कहीं, इसको मत कहिए सारा लबाड़ है, ये काम नहीं करता है, काम चोर है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका कर्मचारी है उसका कोई ना कोई अच्छा पॉइंट ढूंढो और उसके सामने ही तारीफ करो। एक मैंने किताब पढ़ी थी 1 मिनट मैनेजर, बहुत अच्छा उसने लिखा है उसके अंदर कि वो हर काम 1-1 मिनट में करता है। 1 मिनट गोल सेटिंग, 1 मिनट प्रेज एंड 1 मिनट रेप्रिमेंड। यानी वो क्या करता है 1 मिनट मैनेजर, अपने डिपार्टमेंट में घूमता रहता है, जब कोई अच्छा काम करता है वहीं के वहीं खड़ा रह के कहता है यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश शाबाश ऐसा कह देता है और एनकरेज हो जाता है कर्मचारी। बॉस आके वर्किंग प्लेस में आके ऐसा बोले तो कितना अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है। फिर कभी उनको प्रमोशन दो, सरप्राइज, उसको गिफ्ट दो, ये सब करना चाहिए। आप किससे लॉयल रहेंगे, उनके घर वाले के बारे में पूछो कि घर में सब कैसे है, उनके बच्चे को एडमिशन का प्रॉब्लम है अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। उनके घर में फादर मदर या वाइफ कोई बीमार है तो उनको पैसे की ज़रूरत है, एडवांस की ज़रूरत है तो दीजिए, उससे डिपॉजिट होता है। उसकी कोई गलती है तो शांति से उनको समझाइए। फिर उनका सम्मान रखिए। मेरे एक और दोस्त है गोविंद भाई भगत करके, गोविंद धोड़किया ही है जो सब्जी भाई के चाचा है, गोविंद भगत कह के लोग पहचानते हैं उनको। वो छोटे से छोटे कर्मचारी से आप करके बात करते हैं, तू नहीं कहते, आप करके बात करते हैं। आप सोच लीजिए एक 10,000 का नौकरी करने वाला हीरा घसने वाला इंसान और ये करोड़पति मालिक, उनको आपसे बात करे कितना अच्छा लगता होगा, कितना डिपॉजिट अच्छा होता होगा। आप भी ये कर सकते हैं, तू से क्यों बात करनी है, आप बोलने में क्या जाता है, आप करिए। आपने कभी कोई गलती किया तो आप माफ़ी मांग भी सकते हैं, क्यों, आप भगवान तो नहीं है, आप भी गलती कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ऐसा किया तो आपके कर्मचारी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, जब आप मिलोगे तो वो आपको सलाम करेगा, दिल से करेगा, डर से नहीं। मगर आपने ये नहीं किया और विड्रॉल करते रहे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं विड्रॉल क्या होता है, क्विकली देखेंगे। सबसे पहले तो उनके साथ ऐसे डरावने चेहरे से बात करने का, सीरियसली बात करने का, फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का और कम से कम उनको तनख्वाह देने की विड्रॉल के तरीके है। उनके कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं करने का, सुनना भी नहीं, सॉल्व करने के बाद थोड़ा जाए यार तेरा प्रॉब्लम तू सॉल्व कर, उसको आप प्रॉमिस करो और भूल जाओ, तेरा तनख्वाह बढ़ा दूंगा, नहीं बढ़ाओ। उनकी गलतियों को ज़बरदस्ती पब्लिक के सामने लाओ, उनको गुस्सा करो, ये सब करो। उनकी बर्थडे के बारे में जानो नहीं, उनके फैमिली के बारे में कुछ भी जानो नहीं, गलती हुई तो सबके सामने उसको डांटो,
मेरा एक और दोस्त है, अफ्रीका में रहता है, बैंक का मालिक है। मैंने उसको देखा है, मैनेजर को मारता है मालिक, बड़े मैनेजर, जीएम लेवल के मैनेजर को बैंक के बीच में मारता है। मैं तो देख के हैरान हो गया दोस्तों। क्या वो मैनेजर अच्छा फील करता होगा? क्या वो दूसरा चांस मिलेगा तो बैंक छोड़ के भाग नहीं जाएगा? बैंक के भले में कभी वो सोचेगा वो, जब मालिक उसको मारता है पब्लिक के बीच में, बैंक कर्मचारी उसके सबॉर्डिनेट के सामने मारता है? बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों ये सब चीज़ें। फिर उसको कभी खुश करने की सोचो मत, उसके फैमिली के बारे में जानो मत, उसके साथ मिसबिहेव करो, उसको बार बार में छोटी छोटी बात में उसको शिक्षा करो, और उसकी कोई भी गलती माफ़ नहीं करो। आपकी गलती है फिर भी आप सॉरी नहीं कहो। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको आपके कर्मचारी से दूर लेके जाएगी। विड्रॉल करते जाओगे, बैलेंस कम होता जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। बैलेंस अच्छा होगा तो आपका काम की क्वालिटी सुधरेगी, प्रोडक्शन सुधरेगा, सर्विस इम्प्रूव होगी, कभी स्ट्राइक नहीं होगी, लॉकआउट नहीं होगा। हमेशा वो सोचेगा कि मालिक का भला हो, कंपनी का भला हो। आपकी कोई मुश्किल ही है तो आपके कर्मचारी आपका साथ देंगे, समझेंगे, बोलेंगे सर हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हम एक महीना तनख्वाह के बिना चला लेंगे, आप आगे बढ़ो, ऐसा हो सकता है। आपके लिए अच्छी बात करेंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कर्मचारी बॉस की बुराई करते रहते हैं, बार मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस खड़ूस है, ऐसा ही करता है। और आपको वफादार रहेगा, कभी दूसरे के साथ नौकरी नहीं करेगा, और आपकी सीक्रेट बातें किसी को बताएगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, आपके पास कुछ ट्रेड सीक्रेट होगा ना, वो सामने वाले कंपटीटर को बता देगा, वहाँ मिल जाएगा। मान लीजिए आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, आपने विड्रॉल ही किए हैं, क्या हो सकता है? आपका कर्मचारी प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं लगा, क्वालिटी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, सर्विस बिगाड़ेगा। सरकार में वैसा ही तो होता है ना सब कुछ। देखिए, काम चोरी करने लगेगा, माल की भी चोरी कर सकता है, कुछ जेब में डाल के घर पे भी लेके जा सकता है, और आपको कोई मुश्किल होगी तो सुनने को भी तैयार नहीं होगा, बाहर आपके लिए बुरी बातें करेगा, और वफादारी का तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे ही अच्छा मौका मिला सब कुछ लेके भाग जाएगा, आपके कंपटीटर के साथ जुड़ जाएगा। आप ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो डिपॉजिट करना शुरू करिए, बैलेंस बढ़ाइए अपने कर्मचारी के अकाउंट में, देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऑल द बेस्ट।